हेलो नमस्कार। कक्षा 11 के सिलेबस में अपने डे 56 में और जैसा चैप्टर संख्या 5 हमारा पूरा हो गया था, अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे 2000, जिससे हम देखेंगे इस चैप्टर में जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उनके बारे में। जैसा पहला क्वेश्चन जो है इसमें, 40 किलोग्राम का बंदर 600 न्यूटन तनाव सह सकने वाली रस्सी पर चढ़ता है, किस स्थिति में रस्सी टूट जाएगी। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं कि कोई बंदर है जो किसी रस्सी पर चढ़ रहा है और वो रस्सी ऊपर कहीं बंधी हुई है और कितना तनाव सह सकती है। तनाव का मतलब है बल, खिंचाव बल, कितना सह सकती है वो 600 न्यूटन का बल सह सकती है। अब हमें ये बताना है उसमें कि किस स्थिति में रस्सी टूट जाएगी, यानी जो तनाव है वो अधिकतम तनाव सह सकते ही और किस स्थिति में रस्सी टूट जाएगी, हमें ये बताना है किस स्थिति में रस्सी टूट जाएगी। उसके लिए कंडीशन दे रखी है कि जब बंदर 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की त्वरण से रस्सी पर ऊपर की ओर चढ़ता है, फिर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की त्वरण से नीचे की ओर उतरता है और 5 मीटर पर सेकंड की एक समान चाल से ऊपर चढ़ता है या बंदर मुक्त रूप से गिरता है। इसका मतलब हमें सभी सिचुएशंस को सोल्व करके बताना कि किस स्थिति में रस्सी टूटेगी और किस स्थिति में रस्सी नहीं टूटेगी। सामान्यतः हमें पता है भी कोई रस्सी बंधी हुई है और बंदर क्या, हम भी अगर उस पर चढ़ें तो जितना तनाव यानी जितना बल रस्सी सहन कर सकती है उससे जब तक कम लगेगा तब तक रस्सी नहीं टूटेगी और जब बल उससे ज़्यादा लगेगा तब रस्सी टूट जाएगी। और वो बल का मान हमें दे दिया कितना है, वो 600 न्यूटन है। अगर इससे ज़्यादा लगेगा यानी 600 न्यूटन से ज़्यादा रिजल्ट आएगा रिएक्शन फोर्स का, प्रतिक्रिया बल का, तो रस्सी टूट जाएगी और 600 न्यूटन से कम आएगा तो रस्सी नहीं टूटेगी। और ये वैल्यू सारी वहीं से है जहाँ से हमने पढ़ा था लिफ्ट की गति, कि ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है, एक झटका महसूस होता है और व्यक्ति अपने आप को भारी महसूस करता है। तो उसके लिए रिजल्ट हमने पहले निकाले हैं, हम डेरिवेशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट वैल्यूज लेंगे। यानी ऊपर की तरफ जब चढ़ता है तो उसको क्या होता है, उसको उसके लिए त्वरण जो है वो ऐड हो जाता है उसके अंदर, किसमें, गुरुत्वीय त्वरण में, यानी जी प्लस ए हो जाता है वहाँ। कैसे होता है वो भी हम देख लेंगे थोड़ा सा शॉर्ट में। तो और जब नीचे उतरता है तो क्या हो जाता है, जी माइनस ए, हल्का महसूस करते हैं। और लिफ्ट, जब लिफ्ट की डोरी टूट जाती है तो ए और जी दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर, तो उस समय लिफ्ट मुक्त रूप से गिरती है। तो बंदर के लिए भी कह रखा है कि जब वह मुक्त रूप से गिरता है तो उसी स्थिति में क्या होता है, तो उसी स्थिति में ए बराबर जी होता है, जी होता है, तो उसी स्थिति में रिएक्शन फोर्स जीरो होता है, उस पर कोई रस्सी पर कोई बल नहीं कार्य करता है। क्योंकि रस्सी की बात करें तो जब मुक्त रूप से कब गिरेगा, जब वो रस्सी छोड़ ही देगा तब स्वतंत्रतापूर्वक नीचे गिरेगा। जब रस्सी को छोड़ ही दिया है तो रस्सी पर कोई बल काम नहीं कर रहे, नहीं कर रहे तो वो लटकी रहेगी, नहीं टूटेगी। ठीक है, पेड़ को बांधे रस्सी तो क्या होगा, वो नहीं टूटेगी अगर उस पर कोई बंदर नहीं चढ़ रहा। तो चढ़ेगा तब रस्सी पर बल लगेगा। अब रस्सी कितनी मजबूत है, मजबूत का मतलब कितना बल वो सहन कर सकती है। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। सबसे पहली बात तो हमें सोल्व करना क्या है, हमें क्या निकालना है, हमें प्रत्येक स्थिति में आर की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है, आर की वैल्यू। और बंदर के लिए जो बल सहन करने की क्षमता है रस्सी के लिए वो कितनी है, 600 न्यूटन। 600 न्यूटन क्या है, रस्सी की सहन सीमा है, यानी रस्सी की बल सहन करने की क्षमता है। अब हमें तो ये देखना है भाई उत्तर 600 से ज्यादा आ रहा है तो टूटेगी और नहीं आ रहा है तो नहीं टूटेगी। सबसे पहली कंडीशन में बात करते हैं, अपने को बंदर का द्रव्यमान दे दिया कितना है, 40 किलोग्राम। एक बार पहली कंडीशन क्या कह रही है कि बंदर क्या है, ए बराबर 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर चढ़ता है। अब ऊपर चढ़ता है और नीचे उतरता है, इसके लिए याद आपको फॉर्मूला याद हो या आपको कंसेप्ट याद है तो फॉर्मूला बना लो। एक हम बना के देख लेते हैं। नॉर्मली हम क्या लेते हैं, आर प्लस माइनस एम ए इज इक्वल टू, प्लस माइनस इसलिए लेते हैं कि वो तो ए पे डिपेंड करेगा कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जैसे जब बंदर ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं, ये बंदर है कोई, जब ये ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं तो जी किधर काम कर रहे हैं, नीचे की तरफ काम कर रहे हैं,
हमेशा, तो a क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे a माइनस में, तो माइनस m इधर आएगा, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम जी प्लस एम ए इज इक्वल टू एम कॉमन आ गया, तो क्या आ गया, तो अगर तो आप याद ही रखें, ध्यान रखें, एक दो बार सोल्व कर लेंगे तो याद भी रह जाएगा कि जब हम कोई भी लिफ्ट ऊपर जाती है या जैसे बंदर की बात करें ऊपर जा रहा है तो क्या आएगा g प्लस a, जब नीचे आएगा तो क्या होगा, बस दो ही बात है। जब मुक्त रूप से गति होगी तो a बराबर g होगा, तो सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, r का मान जीरो ही आएगा क्योंकि a बराबर g होगा तो कट गया, ये नीचे की तरफ आता तो a प्लस में होता कट जाएगा, तो r का मान क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, सोल्व करने की जरूरत नहीं है। a का मान क्या होगा, अगर आपको दे रखा है त्वरण दे रखा है, अगर जैसे तीसरे पार्ट में दे रखा है एक समान चाल से, जब एक समान चाल होती है तो चाल में परिवर्तन वेग में परिवर्तन नहीं होता है, और नहीं होता है तो त्वरण भी उत्पन्न नहीं होता है, तो a का मान जीरो होता है, a का मान जब जीरो होता है तो r बराबर क्या हो गया mg, g का मान हम थोड़ा सा सिंपलीफाई करने के लिए 10 लेंगे, वैसे क्वेश्चन में कहा नहीं है लेकिन हम न्यूमेरिकल पोर्शन में इसको 10 ले सकते हैं, ठीक है। तो अपने इस r को सोल्व कर लें, r बराबर क्या आएगा, m का मान कितना है 40 है बंदर का द्रव्यमान, g का मान कितना है 10 और a का मान कितना है 6, तो कितना हो गया 40 × 16, कितना हो गया 16 × 4 = 64, 640 न्यूटन। इस स्थिति में रस्सी पे कितना बल लगेगा 640 न्यूटन, लेकिन बस रस्सी कितना सहन कर सकती है, इसका मतलब रस्सी टूट जाएगी, तो इसी स्थिति में आपको लिखना है, इस स्थिति में रस्सी टूट जाएगी, ये तो हमें बताना है किसी स्थिति में, ये तो हमारा क्वेश्चन है किसी स्थिति में रस्सी टूटेगी, तो इसी स्थिति में रस्सी टूटेगी। फिर अपने बी पार्ट जब सोल्व करें तो इसी तरह से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने क्या ध्यान रख सकते हैं कि अब बंदर नीचे आ रहे हैं, कौन सा ए का मान कितना दे दिया, ए बराबर 4 m/s² से बंदर क्या आ रहे हैं नीचे उतरता है, अब नीचे उतर रहे हैं तो ए किसमें होगा, ए पॉजिटिव होगा तो ए प्लस होगा, इधर आगे माइनस हो जाएगा। अगर आपको जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो हमें ये सिद्ध करके नहीं दिखाना होता है कि ऐसे आया कैसे आया फॉर्मूला, हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होते हैं, तो जब हम कभी कभार भूल जाते हैं तो हम उसको सिंपलीफाई करके वापस निकाल सकते हैं, एक मिनट एक्स्ट्रा लग जाएगा लेकिन हम सही उत्तर पे पहुंचेंगे, हमसे गलतियां नहीं होंगी। तो यहां से r इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, समझ में आ गया ना कैसे आएगा, ये पता चलेगा ना, प्लस होगा तो इधर आके माइनस हो जाएगा तो m इंटू जी माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल में हमें फॉर्मूला प्रूफ नहीं करना है, पहले कर चुके हैं, हमें फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करना है। तो यहाँ से वैल्यू यूज करें, m एज इट इज, m का मान कितना 40 है, g का मान कितना 10 है, a का मान इस बार कितना दे रखा है 4, तो 10 में 4 ये कितने हो गए 6, और वैल्यू कितनी आ गई 240 न्यूटन, और रस्सी कितना सहन कर सकती है, और ये कितना है, इसका मतलब नहीं टूटेगी रस्सी, नहीं टूटेगी इस स्थिति में रस्सी नहीं टूटेगी। अब आती है केस नंबर 3, इसके अंदर देखो अच्छा क्वेश्चन है, सारी सिचुएशन आ गई, ठीक है, यानी तीन चार तरह के इन्हीं को अलग अलग क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, इन्हीं को तो सारे क्वेश्चन इसके अंदर इससे संबंधित आ गए हैं। तीसरा पार्ट है इसका 5 m/s क्या दे रखा है, मात्रक भी देख सकते हैं, अगर हमें ये पता नहीं चले लैंग्वेज में क्या, तो तुम मात्रक देख लो, आप मात्रक देखेंगे तो देखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका, त्वरण का होता है, तो अब वैसे तो त्वरण लिखा है, इस त्वरण से आ रहा है, इस त्वरण से चढ़ रहा है, इस त्वरण से उतर रहा है, फिर भी कंफ्यूजन हो तो मात्रक हमें बता देंगे कि दी गई वैल्यू क्या है, अगर किलोग्राम लगा आगे तो इसका मतलब क्या है द्रव्यमान है, ठीक है। अब मीटर पर सेकंड लग गया तो ये नहीं है फ्लो में चल रहे हैं भाई, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये भी त्वरण ही होगा, कर दो सोल्व, ऐसा नहीं है। यहाँ देख लो आप, वैसे तो लिखा है एक समान चाल से, यानी चाल दे रखे हैं, ठीक है, फिर भी कंफ्यूजन हो तो आप एक बार मात्रक भी जरूर ध्यान दें, तो मात्रक बता देगा हमें क्या है ये, मीटर पर सेकंड किसका मात्रक होता है, ये पढ़ चुके हैं, वेग का चाल का मात्रक होता है, तो वेग है ये। अब एक समान दे दिया इसका मतलब वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा, वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा, और त्वरण क्या होता है, a इज इक्वल टू वेग में परिवर्तन की दर dv/dt, परिवर्तन हो ही नहीं रहा, तो a का मान कितना हो गया जीरो, तो a का मान यहाँ जीरो रख देंगे, तो जब त्वरण जीरो होता है तो r बराबर क्या होता है क्यों होता है, क्योंकि a का मान तो जीरो कर दिया, और m का जीरो से गुणा करेंगे तो
जीरो, इसलिए वैल्यू क्या आई आर बराबर, इसलिए हमने भी क्या लिए आर बराबर एम जी, तो एम का मान कितना है 40 और जी का मान कितना है 10, कितना हुआ 400 न्यूटन, और रस्सी कितना सहल सकती है, इसका मतलब रस्सी नहीं टूटेगी, नहीं टूटेगी। और सबसे लास्ट पार्ट इसके अंदर पूछा गया है भी जब मुक्त रूप से गिरता है, मुक्त रूप से गिरता है इसका मतलब है उसने रस्सी छोड़ी रखी है, और रस्सी छोड़ी रखी है तो उस समय उसका त्वरण किसके अधीन होगा, गुरुत्वीय त्वरण के अधीन होगा, इसका मतलब वो गुरुत्वीय त्वरण के अनुसार ही नीचे गिरेगा, इसका मतलब इन दिस कंडीशन ए इज इक्वल टू जी, इसका मतलब ए किसके बराबर हो जाएगा जी के बराबर हो जाएगा, इस केस में ए और जी क्या होंगे बराबर होंगे, और वैसे देखें तो नीचे आ रहा है 15, ठीक है, जी भी किधर काम करता है ए भी किधर काम कर रहे हैं, इसलिए क्या होगा प्लस में होगा, तो यहां से लिखेंगे हम आर प्लस एम ए इज इक्वल टू एम जी, और ए बराबर क्या हो गया जी, तो ए की जगह रख देंगे क्या जी, तो एम जी इधर आके माइनस में होगा, तो एम जी से एम जी कट गया, तो आर बराबर क्या आ गया, यहां लिख रहा हूं मैं आर बराबर क्या आ गया जीरो, इसका मतलब है उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, किस पर रस्सी पर, रस्सी पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, और जब कोई बल कार्य नहीं करेगा तो रस्सी नहीं टूटेगी, टूटेगी कैसे, टूट जाएगी क्या, जब जब चढ़ रहा था तभी नहीं टूट रही थी, एक ही केस में टूट रही थी, इस केस में नहीं टूट रही क्योंकि 240 न्यूटन बल लग रहे हैं, इस केस में नहीं टूट रही क्योंकि 400 न्यूटन बल लग रहा है, रस्सी कितना सहन कर सकती है 600, और इस केस में तो रस्सी पे कितना बल लग रहा है जीरो लग रहा है, इसका मतलब कोई बल कार्य नहीं कर रहा है, तो रस्सी वैसी की वैसी लटकी रहेगी। तो इसके अंदर सारी सिचुएशन आ गई, भी आपको इस बात का, इस वर्ड का बहुत ध्यान रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण वर्ड है, एक समान चाल, चाल जब एक समान होती है तो त्वरण का मान क्या हो जाता है उसी स्थिति में जीरो हो जाता है, तो ऐसी इन क्वेश्चंस की अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो थ्योरी भी क्लियर हो जाएगी, कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, फॉर्मूला भी क्लियर हो जाएंगे, और सूत्र तो दिक्कत रहती है भाई, याद नहीं रहते हैं, कम याद रहते हैं, वो समस्या भी दूर हो जाएगी, सूत्र याद भी रहने लग जाएंगे अपने आप ही, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रफ वर्क करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, इनको लिख के देखना पड़ेगा, बिना देखे करके देखना पड़ेगा, शुरू शुरू में दिक्कत रहेगी, जैसे जैसे करने लगेंगे वैसे वैसे दिक्कतें क्लियर होती रहेंगी और याद होना शुरू हो जाएगा, और जब एक बार याद होना शुरू हो जाएगा फिर दोबारा दिक्कत नहीं आएगी, फिर नेक्स्ट टॉपिक इनसे रिलेट ही होगा, हर चीज़ आगे काम आएगी, इसलिए आगे की जो प्रॉब्लम्स है वो तो अपने आप सोल्व होती रहेंगी और इजी हो जाएगी, सोल्व करना इजी हो जाएगा, क्योंकि आज हर चीज़ हमारे पास पहले से है और हमें याद है, हर बार पेज पलटने की नौबत नहीं आ रही है, हमें देखना नहीं पड़ रहा है कि ए बराबर जी है तो क्या होगा, इसके कंडीशन में क्या होगा, जब हम समझ लेंगे थोड़ा सा हमारे माइंड में क्लिक करेंगी ये चीज़ें तो माइंड में रहने लग जाएंगी ये चीज़ें, तो इसलिए इनको थोड़ा थोड़ा रिवाइज करें, करके देखें, फिर बाकी हम बाद में करेंगे नेक्स्ट क्लास में।